नमस्ते भाइयों, मैं हूं स्मित चौधरी और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मित ऑटो में। हमने पिछली बार इस बाइक का रिव्यू किया था, उसके बाद स्पीड टेस्ट भी किया था। अब करने वाले इसके i3s के बारे में आपको नॉलेज देने वाले कि यह i3s होता क्या है। i3s का फुल फॉर्म होता है आइडल स्टॉप स्टार्ट बटन। ये इसलिए दिया जाता है कि अगर ट्रैफिक में आपकी बाइक खड़ी है तो आपको बंद ना करनी पड़े, यहाँ से चाबी से यहाँ से बंद ना करनी पड़े, स्टार्ट ना करनी पड़े। वो सिंपल सा एक प्रोसेस होता है, मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ कि वो कैस किस तरह से होता है। तो i3s, ये कई लोग ये समझ लेते हैं कि ये इंजन किल स्टार्ट स्टॉप बटन है, पर वो नहीं है। ये i3s का प्रॉपर बटन है, इसको यहाँ से ऑन ऑफ या कर सकते हैं। ये वर्क कैसे करता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसका वर्किंग प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है कि तो पहले हमें इसके तरह से बटन को ऑन करना है, हमारी बाइक न्यूट्रल में होनी चाहिए। हमें फिर यहाँ से सेल स्टार्ट करके स्टार्ट करना है। आपका i3s का बटन भी ऑन होना चाहिए, यहाँ से ऑफ होता है, यहाँ से ऑन होना चाहिए। उसके बाद आपकी बाइक जैसे कि फर्स्ट गियर में लग चुकी है, आपने थोड़ा सा रनिंग कर लिया, उसके बाद आपने ट्रैफिक सिग्नल रेड होगा और आप खड़े रहे, तो इस तरह से बाइक को क्लच छोड़ के न्यूटन करके छोड़ देना है। आप जैसे ही ऐसे खड़े रहोगे 5 सेकंड में इस तरह से बाइक बंद हो जाएगी। आप देख सकते हैं बाइक बंद हो चुकी है। अब क्या करना है आपको, जैसे ही ग्रीन सिग्नल हो या आपको निकलना है, अभी आपको कोई भी काम नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ से देख सकते हो कोई भी सेल्स दबाए नहीं, सिंपल से क्लच दबाते ही ये बाइक फिर से स्टार्ट हो जाएगी और फिर हम इसको फिर से चला सकते हैं। इस तरह से i3s काम करता है। तो i3s काम का फ़ायदा क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका इसके फ्यूल बच जाता है। कई लोग क्या होते हैं, इंजन बंद करने के कारण, बंद ना करने के कारण वो बाइक को स्टार्ट ही रखते हैं इंजन। तो आपको ऐसे मैन्युअली ऐसे बंद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको जहाँ पे सिग्नल रेड हो जाता है वहाँ पे न्यूटन करके क्लच छोड़ के बाइक को खड़ी कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपका फ्यूल भी थोड़ा सा बच जाएगा और देश के जो पर्यावरण है उसको भी ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाएगा। ये इस तरह से i3s काम करता है। ये बहुत ही बेस्ट चीज़ है। मैं चाहूँगा कि ये सभी कंपनियों को ऐसे i3s सिस्टम देना चाहिए। ये i3s सिस्टम हीरो ने बहुत बढ़िया बाइक बढ़िया दी है। सभी बाइक्स में हीरो के सभी बाइक्स में i3s सिस्टम आती ही है। तो बस i3s के बारे में इतना ही था। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।